ओके डॉक्टर अजय आलोक, अब इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प रैपिड फायर राउंड, जहां छोटे छोटे सवाल होंगे और आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं। ये लिमिटेशन है, ये मानना पड़ेगा। ठीक ठीक है अजय आलोक, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड में, नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर कितने नंबर देंगे? आज की तारीख में 0। अच्छा, और जब बीजेपी के साथ थे तब? बीजेपी के साथ नहीं, 2005 से 10 में, 10 में 9। हाँ, 10 के बाद से लगातार पार्टी में रहते हुए ऐसे करके डिप किए, इसलिए आज की तारीख में 0। मतलब अभी जब रिसेंटली बीजेपी के साथ थे तब भी 10 में से 0? तब भी 10 में से 0 डिप कर रहे थे लगातार। तो बीजेपी क्यों थी फिर उनके साथ? राजनीतिक मजबूरी होती है। ओके, लालू को कितने नंबर देंगे आप सीएम के तौर पर जब वो सीएम थे? माइनस में? 0 के बाद तो माइनस राजनीति में होती नहीं। हालांकि लालू जी के समय में 2-3 काम अच्छे हुए हैं जिसको मैं मानता हूँ। सामाजिक चेतना बढ़ी है राजनीति के प्रति, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए मैं लालू को क्रेडिट दूंगा। लालू जी की तारीफ? हाँ। आपने तो लालू जी और सामाजिक आरजेडी के खिलाफ राजनीति की। बिल्कुल, लेकिन सामाजिक चेतना बढ़ी है, लोगों को राजनीति के प्रति आसक्ति बढ़ी है। राबड़ी देवी को कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर? 0। सुशील मोदी को डिप्टी सीएम के तौर पर कितने नंबर देंगे? 9। उनसे नाराज होकर आपने पार्टी छोड़ी थी? हाँ। आपका अपमान किया उन्होंने, आप उनको 9 नंबर दे रहे हैं? हाँ, उनका काम अच्छा था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ प्लानिंग मिनिस्टर। बिहार की जो प्लानिंग की थी उन्होंने उसमें कहीं कुछ अच्छा, जब जब बीजेपी के साथ थे, मेरे सुनिए ना, अभी जब बीजेपी के साथ थे अभी लास्ट टाइम जब नीतीश सीएम थे उनको 10 में से 0, और उसी कार्यकाल में सुशील मोदी को 10 में से 9। उसी कार्यकाल में 10 में से 9, इसलिए क्योंकि खारे कार्यकाल सुशील मोदी के थ्रू ही होते थे। नीतीश जी को तो दिमाग ही नहीं लग रहा था ना काम करने में। ओके, तेजस्वी सीएम कब बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। पक्का? पूरा भरोसा है आपको? वजह? बनना होता तो बन जाते थे तेजस्वी सीएम। नीतीश नहीं बनने देंगे? नीतीश नहीं, तेजस्वी ने अपने हाथ से कब्र खोद ली अपनी, नीतीश के साथ जाके। सबसे बड़ी पार्टी है भाई, सीएम कैसे नहीं बनेगा? सबसे छोटी पार्टी हो जाएगी ना नीतीश के साथ जाके तेजस्वी। अभी तो इलेक्शन में टाइम है। नीतीश के साथ जाके और एक साल नीतीश के साथ रह के तेजस्वी ने अपनी राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा नुकसान किया है। ओके, क्या नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे अगले जन्म में? आप नीतीश कुमार के साथ इतने लंबे समय तक क्यों रहे? शुरू में निष्ठा के साथ, बाद में मजबूरी के साथ। मजबूरी। प्रधानमंत्री मोदी को 10 में से कितने नंबर? 9। सुशील मोदी कभी सीएम बन पाएंगे? कभी नहीं। अब मोदी जी का एक नंबर क्यों काटा आपने? नहीं, 10 में 10 देना अतिशयोक्ति होती है। आप परफॉर्मेंस के हिसाब से दुनिया में आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ओके, सुशील मोदी कभी सीएम नहीं बन पाएंगे? कभी नहीं। ओके, क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं आएगी बिहार में? बीजेपी की सरकार आएगी, पर सुशील मोदी सीएम नहीं बनेंगे। अब उनकी उम्र हो गई, 72 साल की हो गए, 25 में जब तक सीएम बना सरकार आएगी तब तक वो 74-75 हो जाएंगे। ओके, टीवी पर बेस्ट प्रवक्ता आप किसे मानते हैं अजय आलोक? मैं अपनी पार्टी में बेस्ट प्रवक्ता निश्चित तौर पे सुधांशु जी को कहूंगा, सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल। और विरोधियों में कोई है? हाँ हाँ, विरोधियों में भी अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं, कोई शक नहीं है। कोई नाम आता है जहन में? नहीं, पवन खेड़ा सबसे अच्छे थे। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा। सबसे विद्वान प्रवक्ता किसे मानते हैं? सुधांशु त्रिवेदी। ओके, राजनीति में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई नहीं। सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है इस देश में? बेस्ट स्पीकर नरेंद्र मोदी। अरे वाह। और अब तक का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। वाजपेयी जी से बेहतर? एनी डे। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उससे अगला कौन है? नरेंद्र मोदी। उससे अगला कौन है? नहीं मालूम। मतलब अभी 2 टर्म और दे रहे हैं आप? मैं 34 तक दे रहा हूँ। 2034 में भी पीएम वही बनेंगे? 29 में बनेंगे? 29 में बनेंगे, फिर 34 में बनेंगे। अच्छा, वो 34 तक दे रहे? 34 तक में दे रहे? 34 तक दे रहे। ओके, वैसे पीएम एक बार बता दूं 2050 तक भाजपा का ही रहेगा। अच्छा ठीक है, क्या योगी आदित्यनाथ कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक अदना सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो योगी जी तो बहुत बड़े नेता है। ओके, अमित शाह कभी पीएम बन पाएंगे? वही हाल है जैसे जो योगी जी के बारे में जवाब है वही। ठीक है, देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? मैं देश का बेस्ट मुख्यमंत्री मानता हूँ नवीन पटनायक को। ओ, इसी क्योंकि इतनी गरीबी के बावजूद उड़ीसा में, इतनी गरीबी नहीं कि उड़ीसा को कहां से कहां ले गए हैं। ओके, जिस तरह से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, जिस तरह से योजना की डिलीवरी है घर घर तक इंश्योर करते हैं, तो मुझे लगता है अब तो उनकी स्वास्थ्य बहुत खराब हो गई है। क्या? लेकिन अभी तक जितना काम किया है, और नहीं तो अगर रोल मॉडल अगर आज की तारीख में देखना है तो नथिंग टू बीट योगी आदित्यनाथ एंड हेमंत विश्व शर्मा। ओके, हेमंता एंड योगी। ओके,
क्या पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता ये व्यवहारिक होगा। ओके, महिलाएं इस बार किसे वोट देंगी? नरेंद्र मोदी को। 24 में नरेंद्र मोदी को। आपके इतने झगड़े क्यों होते हैं टीवी डिबेट्स में सबसे, विरोधी प्रवक्ताओं से? मैं झगड़ता करता नहीं, आपने देखा है मुझे। बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं, मैं चुप बैठ के मुस्कुराने लगता हूँ। राजनीति में कौन लाया था? खुद आया था। जेडीयू में कौन लाया था? आरसीपीसी। आरसीपीसी। बीजेपी में कौन लाया था? पार्टी। पार्टी। अच्छा, अगर आपको चुनना हो जेडीयू में बिताए गए 10 साल या बीजेपी में बिताए वो 10 महीने और आपका जो कार्यकाल, क्या चुनेंगे, क्या बेहतर रहा है? मुझे तो पिछले, जब से मैं जेडीयू से निकाला गया हूँ तब से मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन के बेहतरीन दिन है। ओके, लोकसभा या राज्यसभा? जैसा पार्टी का आदेश हो। डॉक्टरी या राजनीति? राजनीति। पटना या दिल्ली? जैसा पार्टी चाहिए। समझ गया ना सवाल मेरा? हाँ। ओके, राहुल और प्रियंका में बेहतर नेता किसे मानते हैं? मुझे पता है आप दोनों पसंद नहीं करते, आप दोनों को। वो नेता है ही नहीं, परिवार के प्रोडक्ट है, नेता कहां से बन गया। ओके, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। आरसीपी सिंह। विश्वास पात्र। विश्वास पात्र। आप रोल मॉडल कुछ भी कह सकते हैं। ओके, नीतीश कुमार। पलटू राम मत कहिएगा। पलटू नहीं कहूंगा उनको, नीतीश कुमार। हो सकता है दोबारा आ जाए बीजेपी के साथ। सोच समझ के नीतीश कुमार को एक शब्द में डिफाइन करना। और एक समय तो आपके पास नीतीश कुमार के लिए इतने सारे वन वर्ड्स होते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और आप इतने आर्टिकुलेट हैं अजय आलोक, आज नीतीश कुमार के लिए आपको एक शब्द सोचना पड़ रहा है। आपने कहा पलटू कुमार नहीं कहिए। नहीं, कह दीजिए, मुझे क्या है। आपने ही कहा कि अब मैं उनको नहीं कहता पलटू। हनुमान जी। हनुमान जी क्यों? वानर। प्रशांत किशोर। यूजलेस। ओके, एक टाइम तो उनकी तूती बोलती थी। फालतू, यूजलेस, ग्राउंड पे कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के कैंपेन किया उन्होंने, इतने बड़े बड़े नेताओं का। गलतफहमी हो जाए ना कि कैंपेन करने से वोट आ जाता है, कोई किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। ओके, दुनिया में। मायावती। दलित आइकॉन। आज भी बहन जी के प्रति वो लगता है लगाव है आपका, क्योंकि आप उनकी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, बहन जी एक अलग किस्म की नेत्री है। पार्टी की तो अलग लाइन है बहन जी को लेकर। नहीं नहीं, आप दलित आइकॉन कहते हैं, वो तो पैसों की बेटी और तमाम। वो राजनीतिक शब्दावली है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद बहन जी की बहुत इज्जत करते हैं। ओके, रामविलास पासवान, क्योंकि आप LJP से चुनाव लड़े। नहीं, रामविलास पासवान जी को मैं कहूंगा दलित आधुनिकता के प्रतीक। ओके, चिराग पासवान। यूथ आइडल। दोस्त हैं आपके। हाँ। वरुण गांधी। अभागा। बीजेपी सांसद है भाई। अभागा कैसे? ना परिवार के हुए ना इस पार्टी के हुए। पार्टी में तो हैं अभी। मैं बोल रहा हूँ, मुझे ना परिवार के ही हुए पाए ना पार्टी के ही हो पाए, इसलिए अभागा कह रहा हूँ। मेनका गांधी। सताई हुई बहू। हाँ। इस पर भी आप गांधी परिवार को लपेट रहे हैं। मैं क्या लपेट रहा हूँ, तो इतने साल से बीजेपी में, अभी भी गांधी परिवार को लपेट रहे हैं। ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। ओके, प्रियंका गांधी। वाड्रा। राहुल गांधी। युग पुरुष। युग पुरुष ऐसा दुर्लभ है, आपको बता रहा हूँ। हाँ। हजार वर्ष में ऐसा आदमी आता है। ओके, ढूंढने से, चिराग लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा। ओके, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को एक शब्द में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नरेंद्र मोदी आशा है, आकांक्षा है। 10 साल बाद भी आशा है, आकांक्षा है, प्रेरणा है, यही रहेगी। अमित शाह। संगठनकर्ता। चाणक्य। चाणक्य तो लोग विरोधी उनको कहते रहते हैं डर के मारे, लेकिन अब तो संगठन कहां, अब तो संगठन जेपी नड्डा चलाते हैं, अब तो अमित शाह गृहमंत्री। चलाना अलग बात है, संगठनकर्ता और रणनीतिकार। ओके, इसमें अमित भाई का कोई जोड़ नहीं। ओके, हमारे अध्यक्ष बदलते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, होते रहेगा, लेकिन जो अमित भाई जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को संगठित करते हैं उसमें कोई जोड़ नहीं। ओके, संबित पात्रा, क्योंकि, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके साथी हैं, मित्र।
हैं और डॉक्टर भी हैं वो, हाँ, वो भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर। मैंने कहा मित्र मित्र, हाँ, दोस्ती है उनसे? हाँ, आज से नहीं, जब जेडीयू में था तब भी लड़ते थे, फिर भी हम लोग बात करते थे। अच्छा 2013 से हम लोग इनफैक्ट। हाँ तब ये डिबेट्स वगैरह का कल्चर शुरू ही हुआ था शायद, हम संबित पात्रा मनोज झा, हम लोग तीनों विरोधी और तीनों हम लोग बैठ के बहुत अच्छे अच्छी बातें होती थी। अभी भी होती। ओके, कांग्रेस के प्रवक्ताओं में कोई दोस्त नहीं है? हैं बहुत सारे दोस्त, बहुत मित्र, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। कोई नाम लेना चाहेंगे? व्यक्तिगत लड़ाई जो आपको पसंद हो, ऑफ स्क्रीन कांग्रेस के प्रवक्ता कोई? ऑफ स्क्रीन इतने इंटरेक्शन जिनसे अच्छी बनती हो या आप उनको पसंद करते हो? मतलब ऐसा इतना इंटरेक्शन मेरा किसी से ऐसा फ्रेंडली, मतलब सबसे मैं फ्रेंडली हूँ, लेकिन ऐसा कोई फ्रेंडली इंटरेक्शन। ओके, कन्हैया कुमार, क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं इसलिए पूछ रहा हूं। बिहार पे धब्बा, कमाल है, आपने उनको बिहार तक सीमित कर दिया। बिहार पे धब्बा, पहले तो आप उनको टुकड़े टुकड़े गैंग देशद्रोही, मैं तो करूं, बिहार पे धब्बा, काला धब्बा, बिहार तक सीमित कर दिया आपने उनको। वो अब ऐसे सीमित होने जा रहे हैं कि वो अपने घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपको पता है, वो अपने गांव में नहीं घूम सकते, उनके गांव के लोग उनसे नफरत करते हैं। क्यों? यही टुकड़े टुकड़े के कारण। अरे उसके बाद तो चुनाव लड़े हैं, वो लाखों वोट पाए हैं, आप कह रहे हैं गांव में नहीं घूम सकते। लाखों वोट नहीं पाए, वो तीसरे नंबर पे थे। कितने लाखों वोट पाए थे? नहीं पाए, तीसरे नंबर पे, 4.5 लाख वोट से हारे थे। अपने गांव में जो हार जाए ना, तो उसकी कोई हैसियत तो वजूद नहीं होती। किस बात का विरोध भाई? आप जेएनयू में हैं, अब तो कांग्रेस में हैं, अब तो ठीक है, अब तो कांग्रेस में, आप जेएनयू में हैं और आप लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, और कांग्रेस भी क्या, कांग्रेस भी तो लेफ्टिस्ट ही हो गई है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गढ़ है, कांग्रेस की विचारधारा रही कहाँ? अच्छा आपको पता होगा क्योंकि आप तो बिहार की पॉलिटिक्स पर काफी पकड़ रखते हैं, तेजस्वी और कन्हैया कुमार में बनती क्यों नहीं है? नहीं देखना चाहते एक दूसरे को। क्यों? बस बिहार का समीकरण ऐसा है कि वो नहीं देख सकते एक दूसरे को। क्योंकि हमें याद है कि जब कन्हैया कुमार के लड़ने की बात हो रही थी, तेजस्वी ने साफ मना कर दिया था, वो अलायंस ही नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। क्यों? इनसिक्योरिटी है दोनों को एक दूसरे से, दोनों क्योंकि कितने युवा नेता हैं। नहीं, दोनों कितने जल्दी टुकड़े टुकड़े करेंगे देश के, दोनों में होड़ लगी रहती है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं कि मैं ज्यादा टुकड़े करूंगा। मोहन भागवत, हिंदू चेतना के प्रतीक। ओके, तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त। गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। हाँ सोच समझ के। नहीं, गिरिराज सिंह पसंद है आपको? हाँ बहुत अच्छी है, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। ओके, इज्जत, इज्जत कह सकते हैं। ओके, और शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि वो भी बिहार से आते हैं ना, इसलिए बिहारी बाबू हैं वो। बिल्कुल बिहारी बाबू, बिहारी बाबू, बिहारी बाबू। विरोधी नहीं है अभी भी? विरोधी अलग होना तो इतना कोसते हैं, राजनीतिक विरोधी होना अलग बात है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार को सिने जगत में पहचान बिहार को दिलवाने वाले हमारे बिहारी बाबू हैं, प्राइड तो है स्टेट के, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए जिसकी जो तारीफ हो वो करनी चाहिए, राजनीतिक विरोध होना अपने जगह पर है, जैसे लालू जी के बारे में मैंने बोला सामाजिक चेतना जगाने का काम लालू जी ने किया 90 के दशक में, यही उपलब्धि है उनकी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं इतना संकीर्ण राजनीतिक नहीं हूँ कि कोई विरोधी है अगर उसे कोई अच्छे गुण है तो उसको नहीं बोलूं। बिल्कुल मान गया मैं डॉक्टर अजय आलोक, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए, और जितनी बेबाकी से आपने जवाब दिया है मैं उम्मीद भी कर रहा था, जितनी बेबाकी से आप टीवी डिबेट में बोलते हैं, बहुत मजा आया मुझे इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर अजय आलोक।